अमरपाटन में इन दिनों आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नेशनल हाईवे 30 से आया, जहां दो बाइक सवार बदमाशों ने दो युवकों से मोबाइल और पैसे लूटने की कोशिश की। वहीं दूसरा मामला ग्राम लालपुर का है, जहां जमीनी विवाद के चलते एक वृद्ध से उसी की पोतियों ने मारपीट कर दी। घायल वृद्ध अस्पताल में भर्ती है। नेशनल हाईवे 30 पर ग्राम ककरा मोड़ के पास देर रात बाइक से आ रहे दो बदमाशों ने दो युवकों को रोककर उनकी बाइक की चाबी निकाल ली और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उनका मोबाइल और पैसे लूट लिए। जब पीड़ितों ने शोर मचाया तो बदमाश लूटा हुआ सामान वहीं फेंक कर फरार हो गए। दोनों आरोपी शातिर बदमाश बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर अमरपाटन थाने में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आज कुछ युवक रीवा से गाड़ी निकाल कर मैं आ रहा था, मेरे ककड़ा मोड़ पे ही दो युवक ने गाड़ी की चाबी निकाल कर मोबाइल भी छीन लिया, जिनका नाम एक हरिओम पांडे था, हरिओम मिश्रा है, और एक शुभम पांडे है। उन्होंने गाड़ी की चाबी छीन कर मोबाइल भी छीन लिया, कुछ पैसे भी रखे थे जेब में वो भी निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने चिल्लाने पर उसके बाद मेरे गाली गलौज तो की, उसके बाद उन्होंने चिल्लाने पर मेरे कुछ लोग आए, जिससे बाद उन्होंने फेंक कर सब सारा सामान भाग दिए और रास्ते पे पत्थर वत्थर फेंकने लगे मारने के लिए। अमरपाटन थाना क्षेत्र में ही एक दूसरे मामले में ग्राम लालपुर के पास जमीनी विवाद में राममणि प्रजापति से उन्हीं की पोतियों ने गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी और पत्थर से हमला कर घायल कर दिया। घायल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां से डॉक्टर ने इलाज के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की शिकायत पीड़ित ने थाने में की है। मारिन कोको है। बाली बुल्लू विद्या जमीनी विवाद भैया पत्थर टोटल ईंट का पत्थर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।